बेकार कार्डबोर्ड और ढक्कन से जलधारा के साथ महादेव क्राफ्ट आसानी से घर पे बनाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र, दिल्ली इंडिया से। क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर में पड़े 3-4 कार्डबोर्ड जो मीडियम साइज के हों इकट्ठा कर लें। यह है ऑल आउट का लिक्विड का ढक्कन। सबसे पहले गोल ढक्कन या थाली से निशान लगाकर 4 कार्डबोर्ड को गोलाकार काट लें। इनको आपस में फेविकोल से चिपका लें ताकि इनकी मोटाई 1 इंच के करीब हो जाए। कार्डबोर्ड पे कहीं कहीं सेलो टेप चिपका लें या फिर ब्राउन टेप भी चिपका सकते हैं। ब्राउन टेप या सेलो टेप इसलिए चिपकाना है ताकि मॉइस्चर की वजह से कार्डबोर्ड टेढ़ा ना हो। ये वॉल पुट्टी है जो हार्डवेयर की दुकान पे आराम से 40 से 45 रुपए किलो मिल जाता है। जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। खुला या लोकल काम नहीं करता, इसलिए ब्रांडेड ही लें। वॉल पुट्टी में केवल पानी मिलाकर बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। एक बार में बना डो केवल 4 घंटे ही चल पाते हैं, इसलिए जरूरत के हिसाब से बनाएं। पहले कभी डो नहीं बनाया है तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से अच्छा रहेगा। डो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां देखकर आप सीख सकते हैं। लिंक ना मिले तो मुझे इनबॉक्स कर। काम करते वक्त डो को गीले कपड़े से ढक कर रखें। वॉलपुटी डो से गोल पूरी जैसा शेप बनाएं। कोशिश करें इनकी मोटाई एक जैसा हो। छोटा बेलन नहीं है तो पुराने बेलन से काम कर सकते हैं। इन्हें कार्डबोर्ड पे रखें और ग्लास से गोल काट लें। इसी तरीके से 4 गोलाकार शेप बना लें। इन्हें अच्छे से ड्राई होने दें। अलग से छोटे बाउल में वॉल पुट्टी, फेविकोल और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें, जिनमें गुठलियां बिल्कुल ना हो। सेलो टेप वाले साइड पे इसी गाढ़े पेस्ट से लेयर करें। एकदम पतला लेयर करें और तुरंत फैन चला दें या फिर तुरंत धूप में डाल दें ताकि ये लेयर तुरंत ड्राई हो जाए और मॉइस्चर को प्रोटेक्ट कर पाए। एक बार ड्राई हो जाए तो फिर से लेयर करें। ये प्रक्रिया 3 या 4 बार दोहराएं जब तक कि आपका बेस वाइट ना हो जाए। इसके साथ ही किनारे को भी वॉल पुट्टी डो से कवर करें और ड्राई होने दें। गोल वाले छोटे शेप बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं तो इन्हें एक के ऊपर दूसरा रखकर सीढ़ी नुमा कंपोजिशन बना लें। नीचे बैलेंस के लिए कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े रखें। एक बार जब सेटिंग ठीक लगे तो वॉल पुट्टी और फेविकोल के गाढ़े पेस्ट से इन्हें चिपकाते चले जाएं। कोशिश करके इन्हें नज़दीक नज़दीक रखें। 3-4 घंटे के लिए इन्हें बिना छुए ड्राई होने दें। ये ड्राई होकर अच्छी तरह सेट हो गया है। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी पेस्ट ज्वाइंट पे लगाकर शेप को और भी स्ट्रॉन्ग करें। इन्हें अच्छी तरह फिर से ड्राई होने। वॉल पुट्टी डो से पतले कॉइल बनाकर थोड़ा चपटा कर लें। वॉल पुट्टी पेस्ट की सहायता से सबसे ऊपर वाले गोल शेप पे बॉर्डर बनाएं। जहां ज्वाइंट है वहां थोड़ा रास्ता रहने दें। ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, बस एक बार चिपक जाए तो नीचे की तरफ सभी सेट्स पे यही तरीका अपनाकर बॉर्डर बना लें। बॉर्डर की ऊंचाई ज्यादा ना रखें, जितना भी रखें सभी का एक समान रखें। इन्हें भी अच्छी तरह ड्राई होने दें। किसी भी बेकार कार्डबोर्ड की परत निकालकर रोल करें, बिल्कुल टाइट रोल करें। अंतिम सिरे को सेलो टेप या फिर धागे से फिक्स करें। वॉल पुट्टी डो को थोड़ा चपटा कर इसी रोल पे लपेट कर सिलेंडर की तरह बना लें। इन्हें अच्छी तरह ड्राई होने दें। ये ड्राई कितनी देर में होते हैं? ये धूप में जल्द ड्राई होंगे और छाया में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कटिंग नहीं कर सकते तो पहले से ही कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर 3 इंच का और एक सिलेंडर 4 इंच का बनाकर फिर कवर करें। जैसे ही ये अच्छी तरह ड्राई हो जाते हैं तो एक सिलेंडर 3 इंच का और एक सिलेंडर 4 इंच का कट कर लें। ये साइज आप पहले से डिसाइड कर रख लें। गोल वाले प्लेटफॉर्म पे निशान लगाकर पेचकस या कील से छेद करें। सिलेंडर में तार इंसर्ट करें ताकि ये और मजबूत हो जाए। दोनों सिलेंडर को वॉल पुट्टी और फेविकोल के गाढ़े पेस्ट से चिपकाकर
फिक्स करिए। इन्हें कम से कम 4 घंटे तक ड्राई होकर सेट होने दें। सूखने के बाद दोनों सिलेंडर के ऊपर अच्छी मात्रा में डो और फेविकोल लगाकर गोल शेप को चिपकाकर फिक्स करें। बिना हिले डुले इन्हें भी 4 घंटे तक सेट होने दें। ड्राई होने के बाद पूरे शेप पे डो से छोटे छोटे स्टोन जैसा शेप बनाकर चिपकाते चले जाएं। इन्हें भी ड्राई होने दें। इसके अलावा आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्सचर वगैरह बना सकते हैं। गोल वाले प्लेटफॉर्म पे आप चाहें तो डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे ग्रास या फूल पत्ती बना सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। ये एमसील है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे सबसे छोटा पैक 10 रुपए का मिल जाता है। इसमें से 2 पाउच निकलते हैं, दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है। एमसील से काम करते समय हाथों में टेलकम पाउडर का यूज करें। शिवा क्राफ्ट हमें वाटरप्रूफ बनाना है, इसलिए एमसील का यूज़ किया है। आप चाहें तो वॉल पुट्टी से सेम तरीके से बना सकते हैं, पर वो वाटरप्रूफ नहीं होगा। एमसील से जल्द काम करना होता है, क्योंकि ये 20 मिनट में हार्ड होने लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाएं और काम करें। एमसील से पूरी जैसा गोल शेप बना लें, किसी भी ढक्कन से प्रेशर देकर काट लें। बीच में भी एक छेद करें, अच्छी तरह ड्राई होने दें। ऑल आउट के ढक्कन पे भी चारों तरफ एमसील लपेट कर स्मूथ करें। गोल शेप 1/2 घंटे में ड्राई हो चुका है, तो ढक्कन पे उसे फिक्स करें। ऊपर से लंबा गोलाकार शेप देकर शिवा का रूप दें, ड्राई होने दें। एमसील की वजह से ये वाटरप्रूफ होगा और आप कभी भी शिवा पे जल चढ़ा सकते हैं। जैसे ही ये ड्राई होता है तो शिवा की बाकी डिटेलिंग कंप्लीट करें। एमसील से कॉइल बनाकर सांप यानी स्नेक बनाएं, जो बिल्कुल आसान है। सांप की बॉडी को मोड़कर एक अच्छा शेप बना ले। फन को किसी वस्तु से सहारा दे ताकि ये बिना हिले डुले फिक्स हो जाए। शिवा की बाकी बची डिटेलिंग कंप्लीट करें और अच्छी तरह ड्राई होने दे। ये बैक फ्लो कोन है, इसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। डो से गोल शेप बनाकर कोन से सेंटर में गड्ढा कर ले। 10 मिनट ड्राई होने दे। दिखाए गए विजुअल के हिसाब से इसे काट ले। आइए कलर स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एक्रेलिक कलर से पूरे शेप को 3 कोट करें। 1 कोट ड्राई हो जाए तभी दूसरी कोटिंग करें। जैसे ही कलर ड्राई हो जाता है तो कोई भी मेटालिक कलर स्पॉन्ज पे या फिर रुई पे लगाकर स्टोन्स की डिटेलिंग निकाल ले। इसे भी 2-3 कोट करें और ड्राई होने दें। यहाँ प्रयोग किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। शिवा की बाकी डिटेलिंग और इसके साथ ही सांप की बाकी डिटेलिंग कंप्लीट करें। बैक फ्लो कोन को जलाकर सबसे ऊपर वाले शेप के स्टैंड में फंसा कर रखें, जो आपने बनाया है। कोन की क्वालिटी अच्छी है तो ये अच्छे से फ्लो करेगा और बिल्कुल झरने जैसा इफेक्ट आएगा। शर्त ये है कि कमरे में हवा बिल्कुल ना चले, 1% हवा, यहाँ तक कि आपकी सांस से भी ये फ्लो बिखर जाएगा। ये कोन केवल 1/2 मिनट ही चलते हैं, तो केवल मनोरंजन के लिए कह सकते हैं। अगर आपके पास कोन नहीं है तो कोई बात नहीं, रुई यानी कॉटन तो हर घर में होती है। रुई के पतले और लंबे शेप बनाकर जलधारा बना ले। कैसे भी बनाएंगे अच्छा लगेगा। जरूरत हो तो रुई को थोड़ा सा पानी से भिगाकर इसे फिक्स कर सकते हैं, बाद में इसे निकाल भी सकते हैं। पानी की वजह से ये टेम्पररी चिपक कर सेट हो जाएगा, जिसे आप कभी भी हटा सकते हैं। शिवा को प्लेटफॉर्म पे रखें
और अब आप इन्हें कहीं भी रखकर शिव की वंदना कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल नया और अनोखा कॉन्सेप्ट। रुई यानी जलधारा को हटाकर अब आप फ्लावर से भी डेकोरेट कर सकते हैं, यानी क्राफ्ट एक और ऑप्शन अनेक। फ्लावर यानी फूल से भी मन भर जाए तो कैंडल या दिया जलाकर एक नई रोशनी, नई ऊर्जा को महसूस करें। वाटरप्रूफ शिवा और नाग को उचित जगह पे स्थापित कर सकते हैं। मंदिर जाना संभव ना हो पाए तो घर में ही शिवा को जल चढ़ाएं। तो देखा आपने एक क्राफ्ट के कितने सारे उपयोग। अगर आप क्राफ्ट नहीं बनाना चाहते तो मीशो या फिर ऑनलाइन से ये 100 रुपये के अंदर में इस तरह के क्राफ्ट मंगा सकते हैं। ये मुझे 95 का पड़ा जो मीशो से मंगाया है। एक फाइबर का शिवा और 30 कोन्स मिलते हैं। ऑनलाइन में अलग अलग प्राइस के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। बजट के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रहे पंखे की हवा या किसी तरह के हवा में ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो अब देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दे ताकि इस तरह के ढेरों क्राफ्ट आप समय पे देख पाए। खुश रहें, सुरक्षित रहें, क्राफ्ट करते रहें। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।